तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सूर्या के इमरजेंसी बल्ब को। 10 वाट का ये बल्ब रहता है, जहां और कंपनीज 9 वाट में बल्ब देती हैं अपना बैकअप लैंप या फिर मैं कहूँ चार्जिंग बल्ब, वहीं सूर्या आपको 10 वाट में प्रोवाइड करता है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहूँगा, एसी डीसी बल्ब, बैकअप लैंप, इन्वर्टर बल्ब, इमरजेंसी बल्ब, चार्जिंग बल्ब, ये सब एक ही है। नाम अलग अलग है लेकिन काम सबका एक ही है, चार्ज होने के बाद रोशनी देना। बात की जाए इसके बेस की तो B22 का इसका कैप रहता है। आइए जानते हैं कुछ और स्पेसिफिकेशन, जैसे कि इसकी प्राइस क्या है, ये कितने तक का आपको मिल जाना चाहिए। तो जो MRP रहती है इस प्रोडक्ट की वो ₹599 है, लेकिन अगर मैं बात करूँ इसकी प्राइसिंग की कि मतलब आपको किस रेट पे ये अवेलेबल हो जाएगा, तो आप मान के चलिए फ्रॉम 370 to 420 के बीच में आपको ये मिल जाना चाहिए। चाहे तो आप इसे ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में बाय लिंक मौजूद है, या फिर आप अपने नियरेस्ट मार्केट से इसे बाय कर सकते हैं जहाँ कहीं पर भी ये अवेलेबल हो। बात की जाए बैकअप की तो 3 to 4 घंटे का इसका बैकअप रहता है, जैसे कि यहाँ पे ये प्रिंटेड है 3 to 4 hours बैकअप, यानी कि एक बार जब ये बल्ब चार्ज हो जाएगा तो ये 3 to 4 घंटे बिना बिजली के, बिना लाइट के जल पाएगा। अगर आपके आसपास के इलाकों में या फिर आपके घर के नज़दीक पावर कट की समस्या ज़्यादा है और किसी एक पॉइंट पे इन्वर्टर नहीं है या फिर आपके घरों में इन्वर्टर की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है, तो आप इस बल्ब का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि आप एक पार्टिकुलर कमरे में या फिर अपने घर में रोशनी कर सकें। तो आइए इस प्रोडक्ट को खोल के देखते हैं, जानते हैं कि ये प्रोडक्ट दिखने में कैसा है, क्या ये बल्ब आपके लिए कारगर साबित होगा, क्या ये एक अच्छा बल्ब है और कंपनी की अपेक्षा, आइए इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले खोलते हैं इस बल्ब को और देखते हैं कि ये बल्ब दिखने में कैसा है। ये है आपका 10 वॉट का सूर्या का इमरजेंसी बल्ब या फिर कहें बैकअप बल्ब। तो ये आपका बल्ब रहता है, ये इसका नीचे का बेस है, काफ़ी ज़्यादा ये ग्लिबी है यानी कि चिकना है, और अगर आप क्रोमटन का देखेंगे या हेलोनिक्स का देखेंगे, हेवल्स का देखेंगे, तो उनका जो यूजुअली बेस रहता है ना वो काफ़ी ज़्यादा रफ रहता है, ऐसा लगता है कि जैसे उस पर ग्लू चिपकाया गया है, लेकिन वो ग्लू नहीं होता, एक्चुअली सोल्डरिंग होती है। तो इसका जो बेस है वो काफ़ी ज़्यादा फिनिश्ड है, जैसे कि आप यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे। B22 का इसका कैप रहता है, आप देख सकते हैं, मैं आपको चला के दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये मेरे हाथ से जल रहा है, आप ये ना सोचें मेरे हाथ में करंट है, एक्चुअली मेरे हाथ में मॉइस्चर है यानी कि नमी है। अगर आपके हाथ गीले होंगे या फिर आपके हाथों में मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो आप अपने हाथ से इस बल्ब को जला पाएंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं ये बिना बिजली के अभी जल रहा है, मैंने इस बल्ब को चार्ज किया, देन आपको मैं ये दिखा पा रहा हूँ। एक्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ कि ये बल्ब काम कैसे करेगा। तो देखिए, अगर आपकी बिजली आ रही है यानी कि लाइट आ रही है आपके घर में, तो ये बल्ब चार्ज भी होगा और जलेगा भी। और एक बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, वो ये कि ये बल्ब चार्ज कैसे हुआ। देखिए, आप सोचो कि सिंपली आपने इसे होल्डर में लगा दिया, स्विच बंद है, तो आपको लगेगा कि ये बल्ब चार्ज हो रहा है। नहीं, ये बल्ब तभी चार्ज होगा जब आप इसे जलाओगे, यानी कि स्विच ऑन रहना चाहिए तभी ये बल्ब चार्ज हो पाएगा। इसके अंदर लिथियम की बैटरी है, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहूँगा। तो ये बल्ब तभी चार्ज होगा जब आप इसका स्विच ऑन रखोगे, जहाँ कहीं पर भी आपने इसे लगाया है, जिस किसी भी होल्डर में इसे फंसाया है। जलते जलते ये चार्ज भी होगा और रोशनी भी देगा। जैसे ही पावर कट होता है यानी कि बिजली चली जाती है, तब ये बल्ब ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपको स्विच ऑन ऑफ करना पड़ेगा, लेकिन हो सकता है कि किसी किसी सिनेरियो में ये बल्ब ना जले, तो आप एक बार ऑन ऑफ करके ट्राई कर सकते हैं, ये बल्ब ऑटोमेटिकली फिर जल जाएगा। तो अब मैं बात करूँ बैकअप टाइम कितना है इसका, तो जो इसके रैपर पर लिखा गया है वो 3 to 4 hours लिखा गया है, लेकिन हो सकता है कि ये 2 घंटे भी चले, 2.5 घंटे भी चले। ये डिपेंड करता है कि आपने कितने अच्छे तरीके से इस बल्ब को चार्ज किया है। अब आप एग्जांपल लीजिए कि आपने पूरे दिन में इस बल्ब को मात्र 1 घंटे चलाया है और आपके यहाँ पे पावर कट हो जाता है 3 to 4 घंटे का, तो आप सोचो कि ये 1 घंटे की चार्जिंग के बाद 3 to 4 घंटे चल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। कम से कम इसे आप 7 to 8 घंटे चलाइए यानी कि चार्ज कीजिए। चार्ज मैंने आपको बताया, चलते चलते ये चार्ज होगा, तभी ये आपको 3 to 4 घंटे तक का बैकअप दे पाएगा। सूर्या का जो ये बल्ब है ना, वो वन ऑफ द बेस्ट है। मैं ये नहीं कह रहा कि सबसे बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट है। आप इसका हेलोनिक्स से कंपैरिजन करो, क्रोमटन से कंपैरिजन करो, तो आप पाओगे कि जो सूर्या का ये चार्जिंग बल्ब है वो थोड़ा ज़्यादा फिनिश्ड है और कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा बैकअप देता है। आप 1 ईयर की वारंटी क्लेम कर सकते हो फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, यानी कि अगर ये 1 साल के भीतर ये प्रोडक्ट आपका सही से काम नहीं करता है, चाहे ये बैकअप ना दे या फिर सही से ना जले, तो आप इसे एक्सचेंज कर सकते हो एक नए बल्ब के साथ। और एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहूँगा, जिस तरह से मोबाइल की बैटरी मोबाइल खरीदने के 6 महीने के बाद थोड़ी हल्की पड़ जाती है, उसी तरह से इसकी भी हल्की पड़ जाएगी। आप ये ना सोचें कि जो ये बैकअप परचेजिंग के शुरुआती टाइम पर देगा, वही ये बैकअप 9 महीने बाद, 10 महीने बाद देगा। तो आप ये बात अपने मन से निकाल दें कि इसकी जो कैपेसिटी है वो वही रहेगी जो एट द टाइम ऑफ परचेजिंग थी। तो आप कोशिश ये कीजिए कि आप इस प्रोडक्ट को बिल्कुल सही तरीके से यूज़ करो, सही तरीके से चलाओ, डेफिनेटली इस प्रोडक्ट से आपको फ़ायदा मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस प्रोडक्ट के बारे में आइडिया मिल गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का फिर भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, सभी तरह की समस्याओं को सॉल्व करने की पूरी कोशिश मैं आपकी करूँगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं एक नए एपिसोड में।